देखिए, अभी इस वक्त मैं बैठा हूँ थाना मुखानी में और हमारे साथ हैं मैम। मैम से बात करेंगे, थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि क्या है मामला, कहाँ तक किसकी जांच पहुंची है, थोड़ा सा जानकारी हमको मैम देने की कोशिश करेंगी। नमस्कार मैम, क्या है घटना, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को जो जानना चाहते हैं। कल अंजलि रावत लड़की 17 वर्ष की, तो उसके परिजनों का फोन आया था। थाना अध्यक्ष महोदय एवं पुलिस टीम, हम सभी लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचे थे। तो घर के 100 मीटर की दूरी पर एम्बुलेंस खड़ी थी। एम्बुलेंस में बच्चे का शव रखा हुआ था। मोहल्ले वाले सभी जमा थे वहाँ, रोना धोना हो रहा था। तो फिर उसके परिजन मौजूद थे। पिताजी ने बोला कि ये टूर में गई थी बच्ची, वहाँ फन वैली बरेली टूर में गई थी, तो वहाँ से स्कूल वाले ने इसको यहाँ पे इस अवस्था में लाया गया। बच्ची अच्छी खासी गई थी और स्कूल वालों ने बताया कि बच्ची को चक्कर आए स्विमिंग पूल में, तो ये बेहोश हो गई। जब उन्होंने उसे बरेली अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने बोला सी इज नो मोर। उसके पश्चात फिर डेड बॉडी को बिना किसी मेडिकल के, बिना किसी डेड मेमो के उनको यहाँ पे भिजवा दिया गया। तो फिर उसको बॉडी को परिजनों ने बोला कि हमें पीएम करवाना है, सच्चाई जाननी है। तो इस कारण उस बच्ची के शरीर को फिर वहाँ सुशीला तिवाड़ी इमरजेंसी वार्ड में इसको मृत घोषित किया गया डॉक्टर द्वारा जी। उसके बाद इसको सबको मोर्चरी में रखवाया गया। रात को 9:30 तक बज गए थे इसकी प्रक्रिया में। फिर आज सुबह इसकी पंचनामे की कार्रवाई हो चुकी है, फिर पीएम भी बच्ची का हो चुका है। ठीक, मतलब कि शाम तक पीएम रिपोर्ट हमें मिल जाएगी, कल परसों तक। ठीक, तो प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है मैम आपको, जो रिपोर्ट आपकी, आप जो विवेचना कर रहे हैं, इसमें जांच चल रही है अभी? तो पूरा इसमें बच्ची की जो डेथ हुई है उसका कोई रीजन क्लियर नहीं है, इसमें अज्ञात ही है अभी। ठीक, मामले की पूरी जांच होगी, पीएम रिपोर्ट से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी जी। पुलिस प्रशासन इसमें लगाई हुआ है जांच में। ठीक, अच्छा मैम, जैसे घर वाले कह रहे हैं कि हमने एफआईआर की है, तो उस सिलसिले में जांच कैसे होगी, आगे की कार्रवाई कैसे होगी, क्योंकि मामला है दूसरे स्टेट का भी, यूपी भी इसमें इन्वॉल्व है, घटना वहां पर हुई है, इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। इसमें हम जीरो एफआईआर हमने लॉन्च कर ली है जी, और वो एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन वहां ट्रांसफर होगी एसएसपी सर के आदेश से। ओके, तो जांच जो है वो वहां से होगी क्योंकि वो घटना वहां पर हुई है। हाँ, जांच प्रारंभिक जांच उसकी यहीं से शुरुआत होगी, उसको वहीं पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा 1-2 दिन में। ठीक ठीक ठीक, तो मतलब हम पीएम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई, उसके बाद जांच शुरू हो जाएगी। ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे, थैंक यू वेरी मच। देखिए, घटना जो हुई थी वो इस मुखानी थाना है उसके अंतर्गत आता है ये मामला, और हमने जानकारी को लेने की कोशिश की और यहाँ पर पता चला हमको कि जो इस मामले में जीरो एफआईआर लॉन्च कर दी है, और ये मामला जो कि यूपी स्टेट का है क्योंकि घटना वहाँ पर हुई है, और जो जांच है प्रारंभिक जांच यहाँ पर होगी और जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो वहीं बरेली फन सिटी में होगी, और उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी और हमें और आपके सामने आ पाएंगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अपना खास ख्याल रखें।